बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली जो है अभी कल जो हादसा हुआ ट्रेन का, तेज़गाम एक्सप्रेस का, वो नहायत ही बहुत अफसोसनाक वाक़िया है। इसके ऊपर जो बयान आता है या पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं या लोगों की बातें हैं, उस पर बहस नहीं करनी चाहिए हम लोगों को किसी भी, क्योंकि देखिए ये एक अफसोसनाक वाक़या है। काफ़ी सारी जानी नुकसान हुई, क्योंकि आपका माल बन जाता है, जान नहीं बनती। जान एक दफ़ा ही आई है, एक दफ़ा के लिए ही मिली है। इसको जितनी एहतियात हम लोगों को करनी चाहिए। लोगों ने काफ़ी सारी जगहों पर ये बताया कि जी सिलेंडर फटा है, काफ़ी जगह लोगों ने ये बताया कि जी शॉर्ट सर्किट हुआ है। सबसे पहली बात इसके अंदर रेलवे इंतज़ामिया के ऊपर आती है। रेलवे इंतज़ामिया और हमारी आम आवाम जो कि ट्रेन में सफ़र करती है, इन दोनों पर ये बात आती है। बजाते खुद मैंने 3 दफ़ा अपना बाइक बिल्टी कराया, लाहौर के लिए और एक दफ़ा कराची के लिए। मैं ये चीज़ जानता हूँ कि जब भी आप बिल्टी कराते हैं कोई चीज़ जिसके अंदर फ्लेमिंग का जो है सबसे ज़्यादा वो इशू होता है, मीन जैसे पेट्रोल है, डीज़ल है, सिलेंडर है, ऐसी जो चीज़ें हैं जिनके आग जल्दी लग सकती है, तो उनका एक पहला पॉइंट होता था कि इसमें से पेट्रोल आप खाली कर लें। मुझे याद है जब मैं पहली दफ़ा बिल्टी कराने गया था, मुझे नहीं पता था कि क्या इस तरह से पेट्रोल निकालते हैं या ये लोग लेते हैं, ये कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ से आप बाइक स्टार्ट कर ट्रेन तक तो जाते हैं ना। उन्होंने कहा जी इसमें से आप पेट्रोल निकाल लें सारा। मैंने कहा जी निकाल लें, अभी लीटर ही डलवाया था। कहते आपको नहीं पता कि इसके अंदर बाइक जो जाता है ट्रेन के अंदर, उसका पेट्रोल ही, क्योंकि जब हिलता है तो इसके अंदर प्रेशर बंदर फटने का डर होता है। वो उनका अपना जो भी उनका वैलिड पॉइंट है, उससे मैं किसी भी बात नहीं करता कि उसने सही कहा या गलत कहा। अच्छी बात उसने आगाह किया। और मुझे याद है मैंने सारा पेट्रोल बोतल में निकाला और मैं उसी को दे के आ गया। मैं कहा अच्छा भाई आप रख लो, मेरे पास सवारी नहीं है, तो ये बाइक आपने बिल्टी करने कर दें। उसके बाद नेक्स्ट 2 दफ़ा जब मैंने बिल्टी कराया, तब मैंने पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म करके स्टेशन पे पहुंचा और उनको जाके दे दिया। तो उन्होंने जब चेक किया, बकायदा खुद चेक किया कि अभी इसमें पेट्रोल है नहीं है, क्या वजह है, यानी कि जो इनके रूल्स हैं उनके ऊपर आपका मोटरसाइकिल पूरा आता है कि नहीं। मैं कहा इसमें पेट्रोल बिल्कुल नहीं, कहता ठीक है। तो इसके ऊपर जब आप सिलेंडर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तबलीगी जमात का वो रेवन में जाते हैं, सालाना इजतमा है, किसी के मज़हब पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। हम में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ये गलत है, ये क्यों जा रहे हैं इस तरह। वो हर किसी का अपना एक है, हर मज़हब की रिस्पेक्ट हम सब पे फ़र्ज़ है। आप जाएं, आप सिलेंडर अगर लेके जा रहे हैं, तो बराए करम आप लोगों को चाहिए कि सिलेंडर खाली लेके जाएं, क्योंकि आप लोग लाहौर जाके उतरना है जो कराची से चला है, उसके बाद ही आप लोग रेवन पहुँचेंगे, तो आप वहाँ से भरवा सकते हैं। आपको सफ़र के अंदर सिलेंडर नहीं लेके आना चाहिए। जहाँ तक बात रहेगी शॉर्ट सर्किट की, शॉर्ट सर्किट इसके ऊपर इंतज़ामिया के ऊपर बाकी, अगर शॉर्ट सर्किट की वजह है तो इंतज़ामिया को चाहिए कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन ले, जिसका जो कसूरवार है उसको जो है उसके आखिरी इंतकाम तक पहुंचाया जाए। 70 से 80 लाशें मीडिया बता रहा है, बट ये गलत है, क्योंकि ये मेरा इलाका लियाकतपुर के पास ही हुआ है। मेरा बेसिकली जो होम टाउन है वो लियाकतपुर वाली साइड का, तो मुझे उसका ज़्यादा पता है। ये इतने रिसोर्सेज मेरे थे, उन्होंने कहा जी भाईजान इन जो फर्स्ट इन केस आया ना, उसके अंदर भी 100 से ज़्यादा आ गए थे, तो बाकी ऐसा ऐसा बढ़ते गए, तो वो हैं जो इनकी थोड़ी बहुत शिनाख्त हो रही है, हम 70 लाशें कह रहे हैं। उसके बाद अभी जुमा से पहले सखर एक्सप्रेस में भी 2 बोगियों में आग लग गई है। तो हाँ, ये हमारे अमाल हमारे आगे ला रहे हैं, या हम खुद अपनी जो है गलत करतूतों की वजह से आगे आ रहे हैं, या हमारी लापरवाहियाँ, इंतज़ामिया की लापरवाहियाँ, हम दूसरों पर उंगली उठा सकते हैं, हम अपने आप ही गिरेबान में नहीं जा सकते। इसी तरह रोड एक्सीडेंट्स हैं, हम रोड्स पर देखते हैं आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है। अभी पिछले दिनों जो है वो 2-3 महीने पहले बलीगुरहमान साहब की जो है वो मिसेज का एक्सीडेंट हुआ, उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद पंजाब कॉलेज के बाकर हाशमी के जो प्रिंसिपल हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ। इसी तरह और भी जो है रिलेटेड काफ़ी सारे जो हैं वो जानने वाले या कोई अननोन जो लोग हैं, रोड एक्सीडेंट के शिकार होते रहते हैं। क्यों? सबसे पहली बात आपकी लापरवाही, ओवर स्पीडिंग, ओवर ड्राइविंग, मल्टी मीडिया इंफरटेनमेंट की तरफ ध्यान, और जो है मोबाइल की तरफ ध्यान, स्टोरीज बनाने की तरफ ध्यान, तो ये रोड एक्सीडेंट तो होगा। उससे पहले अभी कुछ दिन पहले जो फैसल मूवर का मोटर पर एक्सीडेंट हुआ, स्पीड में था, उसने ओवर कंट्रोल हो गई गाड़ी, स्लिपरी जगह थी, तो इन तमाम चीज़ों का हल भी हमारे पास है, और हम ना चाहते हुए भी इन हल को अपना नहीं सकते। आप जो सफ़र में बैठे हैं, सफ़र की दुआ पढ़ें, अपने रब से जो है वो रिक्वेस्ट करें, क्योंकि सफ़र की जो जो आपकी सवारी मौत की सवारी है, ये किसी के काबू में भी नहीं आती। ये अगर आप जितने से बड़े फन्ने खां ड्राइवर भी हो गए, मैं बहुत बड़ा फन्ने खां हूँ, मेरे पास ये सवारी है, मेरा इतना तजर्बा है, तो ये गलत है, 1 सेकेंड की देर है। अगर आप, मैं अपने दोस्तों को सिंपल एक बात कहता हूँ कि अगर आप सिंपल एक ब्रेक का जो है वो एल्गोरिथम पढ़ लो कि ब्रेक बनती कैसे है और इसका काम क्या है, मैं दावे से कहता हूँ आप लोग कभी भी गाड़ी के अंदर भी नहीं बैठेंगे। आप कहेंगे मैं पैदल सफ़र करने को तैयार हूँ, साइकिल पर भी नहीं आप बैठोगे,
क्योंकि ब्रेक एक सील पे रुकी होती है, एक सील आपकी क्रैक हुई नहीं, आपकी ब्रेक फेल है। मगर नहीं, यहाँ तो चुल होती है, गाड़ी कौन 240 पे लेके जाएगा, कौन 260 पे लेके जाएगा। तो ब्राए करम आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने मुसलमान, जितने लोग शहीद हुए इस ट्रेन हादसे के अंदर, ये जितने उनके लिए दुआ की जाए, उनको अल्लाह ताला मगफरत पहुँचाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इसी के साथ जो लोग ज़ख्मी हो गए हैं उनकी जो है वो इयादत के लिए उनके लिए दुआ करें, और जो जो लवाहिकीन के जो पीछे वारसान वगैरह हैं, जो बेचारे रह गए हैं, उनके किसी के बाप गया, किसी का बेटा गया, किसी का दादा गया, किसी की माँ गई, किसी की बहन गई, तो उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि यहाँ उनके जो है वो अब जिम्मेदारी जो है उनके हल्का बाप पे है, और वो लोग अपनी ज़िम्मेदारियाँ सही तरह पूरी कर सकें। डेली हर वीडियो के एंड में मैं ये कहता हूँ, अपने अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।